बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम इंसानों की परेशानियाँ दूर करे, उन पर अपनी रहमतों के साए रखे और हमें हर बुराई से बचाए, आमीन। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो का आगाज हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दो अकवाल से करते हैं। आप फरमाते हैं, रिज्क के पीछे अपना ईमान ख़राब मत करो, क्योंकि रिज्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। एक और जगह इरशाद फरमाते हैं, अगर तवक्कुल सीखना है तो परिंदों से सीखो कि जब शाम को वापस घर जाते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता। उनको अपने रब पे एतबार होता है कि जिस रब ने आज मुझे दाना दिया है वही कल का मालिक है। नाज़रीन गिरामी, बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानेब। फजल बिन रबी का बयान है, मैं एक मरतबा सफरे हज में खलीफा हारून रशीद के साथ था। वापसी पर जब हमारा गुजर कुफा से हुआ तो देखा कि हजरत बहलोल दाना एक जगह खड़े हैं और बहुत बुलंद आवाज से चीख रहे हैं। मैंने उनसे कहा, खामोश हो जाइए, खलीफतुल मुस्लिमीन तशरीफ ला रहे हैं। यह सुनकर वो खामोश हो गए। फिर जब खलीफा हारून रशीद की सवारी करीब आई तो आपने जोर से कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, जरा मेरी बात सुनिए। खलीफा ने आपकी आवाज सुनी तो रुक गए। बहलोल दाना ने फरमाया, ऐ मुसलमानों के अमीर, मुझे ऐमन बिन नायल रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस सुनाई कि हजरत सैयदना कदामा बिन अब्दुल्ला आमरी रजी अल्लाह ताला अन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को वादी मना में देखा कि आप ऊँटनी पर सवार थे, नहायत सादगी के आलम में। वहाँ पर ना किसी को मारना था, ना इधर उधर हटाना था और ना यह फरमाते कि एक तरफ हो जाओ, बल्कि आपकी सवारी नहायत सादगी से आगे बढ़ रही थी। फजल बिन रबी का बयान है कि मैंने अमीरुल मोमिनीन से कहा, हुजूर ये बहलोल दीवाना है। आपने फरमाया, मैं इनको जानता हूँ। फिर कहा, ऐ बहलोल, मुझे कुछ नसीहत कर दो। चुनांचे उन्होंने ये दो बातें बताई, अगर तुझे सारी दुनिया की हुकूमत मिल जाए और तमाम लोग तेरे मतीउ फरमा बरदार बन जाएं, फिर भी क्या तेरा आखिरी ठिकाना तंगो तारीख कब्र नहीं? यानी तेरे मरने के बाद लोग बारी बारी तुझ पर मट्टी डालेंगे। यह सुनकर खलीफा हारून रशीद ने कहा, ऐ बहलोल, आपने हक बात को पहचान लिया, मुझे कुछ और नसीहत फरमाइए। आपने फरमाया, ऐ अमीर, अल्लाह ने जिसको हुस्न जमाल दिया फिर उसने अपने आप को गुनाहों से महफूज रखा और अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च किया तो उसका नाम नेक लोगों में लिख दिया जाता है। फजल बिन रबी का बयान है, यह गुफ्तगु सुनकर खलीफा हारून रशीद समझे कि शायद कुछ माल वगैरह तलब कर रहे हैं, लिहाजा उनसे कहने लगे, ऐ बहलोल, अगर आप पर किसी का कर्ज वगैरह हो तो मैं अदा कर देता हूँ। उन्होंने फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हरगिज ऐसा ना कर, क्या तू कर्ज को कर्ज के बदले अदा करना चाहता है? जा और जाकर हकदारों को उनका हक अदा कर और सबसे पहले अपने नफ्स का कर्ज उतार। बेशक तेरे पास एक ही जिंदगी है, जब तू मर जाएगा तो दोबारा दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। फिर अमीरुल मोमिनीन ने कहा, ऐ बहलोल, मैं आपके लिए कुछ वजीफा मुकर्र करना चाहता हूँ। आपने फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐसा हरगिज ना करना, मुझे मेरा अजर वही परवरदिगार देगा जो तुझे नवाजता है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि मेरा परवरदिगार तुझे तो रिस्क दे और मुझे मेरे रिस्क से महरूम रखे। इतना कहने के बाद बहलोल दाना ने कहा, मैंने अल्लाह पर भरोसा किया और मैं उसके सिवा किसी और से उम्मीद नहीं रखता। लोगों के पास रिस्क नहीं बल्कि रिस्क के खजाने अल्लाह के पास हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, इंसान कितना गाफिल है। वो रिज़्क़ के लिए तो परेशान हो जाता है मगर अपनी मौत
और अपनी आखिरत के लिए नहीं। अल्लाह ने खुद रिज्क का जिम्मा लिया हुआ है, लेकिन अल्लाह पाक फरमाता है कि तू रिज्क के लिए परेशान मत हो बल्कि अपने आमाल के लिए परेशान हो, क्योंकि तुमको रिज्क मैं पहुंचाऊंगा, लेकिन आखिरत में वही तुम्हारे काम आएगा जो दुनिया में तुम्हारे आमाल होंगे। अजीज दोस्तों, आज की दुनिया पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो हर आदमी अपने रिज्क के लिए परेशान है। हर आदमी ज्यादा से ज्यादा पैसा बटोरने के चक्कर में है, चाहे वो जायज तरीके से हो या ना जायज तरीके से हो। एक बात याद रखिएगा, जितना मर्जी दुनिया में दौलत इकट्ठी कर लो, जितना मर्जी बैंक बैलेंस बना लो, जितना मर्जी जायदादें बना लो, लेकिन कब्र में काम वही आएगा जो तुम्हारे दुनिया में किए गए नेक अमाल होंगे। क्योंकि अगर तुमने दुनिया में नेक अमाल के बजाय बुरे अमाल किए तो ये दुनिया, बैंक बैलेंस और जायदादें तुम्हारे किसी काम की नहीं। अजीज दोस्तों, रिज्क के लिए परेशान मत होइए, क्योंकि अल्लाह पाक बार बार फरमाता है कि तुमको रिज्क मैं पहुंचाऊंगा, तुम बस मेरी इबादत करो, आखरत के लिए अच्छे अमाल करो ताकि वो आखरत में तुम्हारे काम आए। आइए दोस्तों, आज वादा करते हैं कि हम अल्लाह पाक की इबादत करेंगे, हम सिर्फ हलाल तरीके से रिज्क हासिल करेंगे और रिज्क के लिए परेशान नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल रखेंगे, बिल्कुल उस परिंदे की तरह कि जो शाम को वापस घर आता है तो उसकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता, यानी वो ज़खीरा अंदोजी नहीं करते बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं कि अल्लाह पाक ने आज दिया है तो कल को भी देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाज़त सांसों ने वफा की, तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ो निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।